हरियाणा का यह पिंड कहाउंदा है देश का मिनी ब्राजील। हर घर विच है एक महिला फुटबॉल चैंपियन। जनून जज्बा ते संघर्ष की हुंदा है यह वेखना है तो हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे जिहे पिंड अलखपुरा चाओ। इस पिंड दियां धीआं सारियां कमजोरियां ते मुसीबतां दे बावजूद आसमान दियां उचाइयां नूं छू रहियां ने ते फुटबॉल दी किक नाल दुनिया माप रहियां ने। कि तुसी कदे भारत के किसी पिंड की अजिही तस्वीर वेखी है जिथे बच्चे नौजवान अधखड़ उम्र के लोग सारे ही फुटबॉल के दीवाने ने। सूट सलवार घगरे च इन्हां औरतां नूं किक मारते हुए वेखो, जोश विच कोई घाट नहीं। इसे लई तां इस पिंड नूं मिनी ब्राजील कहा जांदा है क्योंकि इस पिंड की सवेर भी किक तो हुंदी है ते रात भी किक ते ही खत्म हुंदी है। पिंड दे इस जनून सदका सूबा सरकार ने इत्थे वक्रे तौर ते दो फुटबॉल कोचां दी नियुक्ति कीती है। लड़कियों ने इतने ज्यादातर बढ़िया खेले हैं कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हमारे गांव में। हुन इस नूं फुटबॉल नूं लेके पूरे पिंड दा जनून नहीं तां होर की कहांगे, पर आओ असीं तुहानूं फ्लैशबैक च लैके चलदे हां ते दसदे हां कि अखीर इस पिंड विच अजिही किहड़ी हवा चली कि पूरे पिंड दे बच्चियां नूं फुटबॉल दा दीवाना बना दित्ता है। दरअसल कहानी शुरू हुंदी है साल 2009 तों। इस पिंड दियां 11 कुड़ियां ने टीम बना के पिंड दे ही स्कूल च फुटबॉल खेडना शुरू किया तो उन्हां दे पीटीआई अध्यापक गोवर्धन शर्मा ने नोटिस किया। कुड़ियां दे टैलेंट नूं वेखदिआं उन्हां ने फुटबॉल खेडदिआं कुड़ियां दी प्रैक्टिस ते ध्यान देना शुरू किया तां पिंड दियां कुड़ियां ने राष्ट्रीय पद्धर ते तमगा जित्तिआ। फिर की सी उसे तमगे ने अलखपुर पिंड दे बच्चियां विच अजिहा रोह पैदा किया कि अज इस पिंड ने 200 दे करीब कौमी खिडारियां दी फौज तैयार कर दित्ती है जिन्हां विच वधेरे कुड़ियां ने। अभी आप देख रहे होगे ग्राउंड में कि जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि घर कहाँ कैसे क्या है वो भी ग्राउंड पे है और 22-23 साल तक की लड़कियाँ ग्राउंड पे आ रही हैं तो और यहाँ पे हर रोज 200 से 250 लड़कियाँ प्रैक्टिस करती हैं तो इसलिए इसको मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। इस छोटे जिहे पिंड की मिट्टी फुटबॉल लई इन्नी उपजाऊ है कि संजू यादव, रितु, समीक्षा जाखड़, दीपिका समोता, मुनेश राव, मंजू कसवान, पूनम शर्मा वर्गे 2 दर्जन कौमांतरी खिडारी इत्थे तैयार किए गए। खेलो इंडिया अंडर 17 ते अंडर 21 च इस पिंड दियां 12 कुड़ियां ने टीम विच थां बनाई है। अज इत्थों दियां करीब 8 कुड़ियां भारतीय फुटबॉल टीम दे सीनियर वर्ग ते अंडर 17 विच सिलेक्ट होईयां ने। इन्ना ही नहीं, साल 2015-16 ते 2016-17 विच इस पिंड दी टीम ने सुब्रतो कप भी अपने नां कीता। लड़कियां है तो क्या हुआ, खेल के आगे बढ़ेंगी तभी तो नाम होगा बेटियों का। मेरा तो यही कहना है जी, लड़कियां और लड़कों में कोई फर्क नहीं है आज के युग में। लड़कियां तो हरेक उसमें आगे चल रही हैं, हरेक क्षेत्र में आगे हैं और हमारे गांव में तो विशेषकर ऐसी कोई सोच वाला आदमी नहीं होगा जो अपनी लड़कियों को बाहर ना भेजे। सोनिका बिजरानिया पिछले 6 सालों तो इस पिंड विच महिला फुटबॉल कोच वजो काम कर रही है। सोनिका दसदी है कि अलखपुरा विच पिंड दे हर घर दी कुड़ी इत्थे फुटबॉल खेडन आउंदी है। पिंड दे खिडारियां लई जदों भी खेडां दे समान, जूते, ट्रैक सूट या होर समान दी लोड़ पैंदी है तां पिंड दे लोक चंदा इकट्ठा करदे ने। उत्थे ही जद कोई खिडारी तमगा जित के पिंड आउंदा तां पूरे पिंड विच जशन मनाया जांदा क्योंकि जदों इत्थे तमगा आए तां समझो दिन बदल गए। ये देखो कि 14 साल की लड़की अंडर 14 खेल के आई है, जो लड़की उसको 50,000 रुपये महीने का मिल रहा है, नेशनल में वो जीतने में 50,000 मिल रहा है। 14 साल की लड़की कैसे 50,000 कमा सकती है, मगर फुटबॉल खेल के 14 साल की लड़की 50,000 कमा रही है। हमारे गांव में 50,000 से लेके 5 लाख तक का एक बच्चे का स्कॉलरशिप है, जो सीनियर इंडिया खेल ली है, सैफ गेम खेल ली, साउथ एशियन गेम्स जो खेल ली है, उनकी 5-5 लाख रुपये स्कॉलरशिप आ रही है। इस पिंड दियां कुड़ियां ने फुटबॉल खेल के ना सिर्फ तमगे जीते बल्कि सरकारी नौकरियां भी हासिल कीतियां ने। सरकार दी मेडल लियाओ नौकरी पाओ नीति तहत इत्थे बहुत सारे खिडारी सरकारी विभागां विच काम कर रहे ने। करुणा ते ज्योति इन्हां 200 खिडारियां विचों ने जो अपने सीनियर्स दी तरह ही राष्ट्रीय फुटबॉल टीम च जगह बनाउणा चाहुंदियां ने। इह अपणियां सहेलियां दे नाल सवेर तों लै के शाम तक पिंड दे ग्राउंड विच पसीना बहाउंदियां ने। मेरा एम ये है कि मैं कंटिन्यू सीनियर इंडिया खेलूं, वो सीनियर इंडिया
प्लेइंग क्रू इंडिया टीम में, मेरा एम ये कि और मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, अभी 2018-19 की यूनिवर्सिटी गेम्स में ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है। हम कोशिश करेंगे कि जो नेशनल गेम्स होंगे उसके लिए हमारी टीम सिलेक्ट हो और उस वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आए। इस पिंड दियां कुड़ियां दी फुटबॉल नाल दिल लगी वेख हुण दिल कहिंदा है कि हरियाणा सिर्फ बॉक्सिंग ते कुश्ती विच ही नहीं फुटबॉल दे मैदान विच भी दुनिया भर च झंडा लहराउण जा रहा है। यकीनन ये सुपना वड्डा है, थोड़ा समा लग सकदा है, पर उम्मीद है एक दिन सारी दुनिया इन्हां हरियाणवी छोरियां दी किक्स दी दीवानी हो जाएगी। इत्थों दी हर कुड़ी दी दुनिया नैट वाला गोल है, पर इन्हां दा गोल इंटरनेशनल फुटबॉल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.